स्वागत है आपका द हिमालयन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। हम आशीष कुमार स्तोगी, आज आपके सामने हम टॉपिक लेकर आए हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का संगठन। और इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें आप लोग। और लास्ट में आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको कैसी लगी। और यह है वीडियो आपकी, यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का जो संगठन है, यह है आपका एमएड के पेपर में और आपका यूजीसी नेट की परीक्षा में। इसमें से कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में भी क्वेश्चन आ चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा मोस्टमेंट तथ्य हैं आपके इस वीडियो में, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो शुरुआत कर रहे हैं इसमें हम आपके सामने। तो देखिए, आपके सामने लिखा हुआ है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का संगठन। इसमें लिखा हुआ आपके सामने विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, यानी कि 1949 की सिफारिश के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1956 में की गई थी। और आपको बताएं, हमारे द्वारा बनाई गई एक वीडियो और है प्लेलिस्ट में, उस वीडियो का नाम है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के ऊपर। उस वीडियो को आप लोग जरूर देख लें। और इससे पहले आपको एक सामान्य परिचय बताए थे, ये जो आपका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, इसके लिए जो शुरुआत हुई थी या सिफारिश की थी, ये आपकी सिफारिश विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के द्वारा की गई थी, यानी कि 1949 में। और इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बनाए गए थे। इसलिए इसका नाम, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का नाम 1949 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग रखा गया था। और इसके बाद आपको बताएं, 28 दिसंबर 1953 को तत्कालीन मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इसकी नींव रखी थी। और इसके बाद इसकी पूर्ण रूप से जो स्थापना हुई थी यूजीसी की, वह आपकी 1956 में हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है सामान्य परिचय। तो आपको बताएं, काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का संगठन बनाया गया था। काफ़ी लंबा इसका इतिहास रहा है। और आप जानते ही हैं, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। उसके बाद भारत में हायर एजुकेशन के लिए एक आयोग की डिमांड चल रही थी। इसी को ध्यान में रखकर विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, यानी कि 1949 में इसके लिए सिफारिश की गई थी, जिसके आधार पर 1956 में यूजीसी की नींव रखी गई थी। तो इसके बाद हम देखते हैं आगे, और आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक करना ना भूलें। तो देखिए, आपके सामने लिखा हुआ है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वर्तमान संरचना 1972 के अधिनियम के अंतर्गत संशोधन का परिणाम है। यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वर्तमान संरचना जो है 1972 के अधिनियम के अंतर्गत संशोधन का परिणाम है। इसके बाद लिखा हुआ आपका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का 197 के अधिनियम के अनुरूप संगठन निम्नवत है। यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है आपका, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का 197 के अधिनियम के अनुरूप, यानी कि अधिनियम आपको ध्यान रखना है 197 है, इसके अनुरूप जो है इसका जो संगठन बनाया गया है। और आपको बताएं, ये जो आपकी वीडियो है, यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की, जिसके हम संगठन के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, यह है आपकी बहुत ही ज़्यादा मोस्टमेंट है। यूजीसी में कई बार
यानी कि नेट की परीक्षा में कई बार इसमें से क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। तो देखिए इसमें आपके सामने लिखा हुआ है, नंबर एक इसमें अध्यक्ष होता है जिसे हम इंग्लिश में चेयरमैन कहते हैं, और नंबर दो दो सदस्य होते हैं, और ये सदस्य कहाँ से आते हैं, केंद्र सरकार के कार्यरत अधिकारी होते हैं। नंबर तीन चार सदस्य विभिन्न विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षक होते हैं, और नंबर चार चार सदस्य निम्नलिखित क्षेत्रों से सम्मिलित किए जाते हैं। तो ध्यान रखना आप, ये इसमें जो सबसे ज़्यादा जो पावर होती है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की, वह आपके चेयरमैन के पास होती है। यह इसमें आपके सर्वे सर्वा होते हैं, कोई भी डिसीजन होता है तो यही अध्यक्ष जो है लेते हैं डिसीजन। तो नंबर इसमें आपका दो लिख रखा है, दो सदस्य होते हैं, ये आपके केंद्र सरकार के कार्यरत अधिकारी होते हैं। इसमें आईएएस ऑफिसर का चयन किया जाता है जो रिटायर होते हैं, और जो चार सदस्य हैं ये आपके विभिन्न विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षक होते हैं, जैसे जेएनयू या बनारस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होते हैं। तो आगे हम देखते हैं, तो इसमें आपके सामने नंबर ए है, एक सदस्य या तो कृषि से होंगे या वाणिज्य से या उद्योग से, इन तीनों क्षेत्रों में से किसी भी एक व्यक्ति को चुन लिया जाता है। और इसके बाद नंबर बी, एक सदस्य इंजीनियरिंग कानून और आयुर्विज्ञान, यानी कि एक सदस्य आपके या तो इंजीनियरिंग के क्षेत्र से होंगे या कानून से या आयुर्विज्ञान क्षेत्र से चयन किया जाता है। नंबर सी, एक सदस्य विश्वविद्यालय के कुलपति अथवा ख्याति प्राप्त शिक्षाविद हो सकते हैं। और नंबर डी है इसमें आपका, एक सदस्य उपर्युक्त तो किसी भी क्षेत्र से आ सकते हैं, यानी कि ये जो आपके ऊपर एरिया लिखा है ए बी सी, इनमें से कहाँ कहीं से भी एक व्यक्ति का चयन हो सकता है, ये जो आपका नंबर डी में लिखा हुआ है, यानी कि उपर्युक्त तो किसी भी क्षेत्र से। तो ध्यान रखना आप ये, और आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक करना ना भूलें, और जो कैंडिडेट नए हों वह सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, तभी हमारा नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा और आगे हम आपके सामने नई नई वीडियो लेकर आएंगे। तो ध्यान रखना आप ये, इसमें एक सदस्य होते हैं, ये आपके कृषि वाणिज्य उद्योग से होते हैं। तो आगे हम इसके बाद देखते हैं, आगे आपके सामने स्लाइड आ रही है, तो देखिए आपके सामने लिखा हुआ है 1974 एवं 1977, यानी कि 1974 एवं 1977 में यूजीसी का पुनर्गठन किया गया। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा मोस्ट मेंट है, यह आपका यूजीसी की नेट की परीक्षा में पूछा गया है, यानी कि 1974 और 1977 में यूजीसी का पुनर्गठन किया गया और इसका वर्तमान संगठन तैयार किया गया जिसमें 18 सदस्य हैं। ध्यान रखना आप, ये बहुत ही ज़्यादा मोस्टमेंट तथ्य हैं आपके। 1974 एवं 1977 में यूजीसी का पुनर्गठन किया गया और इसका वर्तमान संगठन तैयार किया गया जिसमें 18 सदस्य हैं। और आगे हम देखते हैं, नंबर एक है इसमें दो सदस्य, ये आपके दो सदस्य का चुनाव कहाँ से होता है, महाविद्यालयों के प्रधानाध्यापक या प्राचार्य होंगे इसमें आपके। और नंबर दो है, एक सदस्य का चुनाव माध्यमिक शिक्षा क्षेत्र से होता है। और इसके बाद नंबर तीन, एक सदस्य ग्रामीण उच्च विशेषज्ञ होते हैं। और नंबर चार, एक सदस्य औपचारिकेतर शिक्षा का विशेषज्ञ होते हैं इसमें। और नंबर पाँच, एक सदस्य योजना आयोग का सचिव होता है। तो ये अलग अलग क्षेत्रों से सभी मेंबरों का चुनाव होता है, और इसमें लास्ट में लिखा है नंबर पाँच योजना आयोग, इसके बारे में आपको बता देते हैं। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को इसकी नींव रखी गई थी, और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, और उस समय प्रथम
जो इसके अध्यक्ष बनाए गए थे वह आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और इसके बाद 1 जनवरी 2015 को इसका नाम चेंज कर दिया गया। किसका? योजना आयोग का इसका नाम चेंज हो गया आपका, यानी कि नीति आयोग इसका नाम रखा गया है। इसकी डेट आप ध्यान रखना, ये यूजीसी नेट के पेपर में आ चुकी है, 1 जनवरी 2015। और ये किसने नाम चेंज किया था? ये आपके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका नाम चेंज किया गया। और इस नीति आयोग का काम क्या है? समय समय पर जो योजना बनाई जाती हैं भारत सरकार के द्वारा, उसका संचालन किया जाता है, उसकी देखरेख करी जाती है। और अलग अलग जो योजना बनती हैं उसके मेंबर का चुनाव भी इनके द्वारा किया जाता है। तो ध्यान रखना आप, ये सभी क्वेश्चन आपके मोस्ट मेंड हैं, नेट की परीक्षा में कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इसके बाद हम देखते हैं आगे, तो देखिए आपके सामने लिखा हुआ है इस प्रकार 1972 में 6 और सदस्य को सम्मिलित करके यूजीसी के संगठन को अंतिम रूप प्रदान किया गया। इस प्रकार 1972 में 6 और सदस्य को सम्मिलित करके यूजीसी के संगठन को अंतिम रूप प्रदान किया गया। तो ये आप ध्यान रखना। और इसके बाद आपको बता देते हैं जो यूजीसी है आपका, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के जो क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या है, ये भी क्वेश्चन आपका पेपर में आ चुका है यूजीसी नेट के पेपर में कि यूजीसी के क्षेत्रीय कार्यालय कितने हैं, इनकी संख्या कितनी है? 6। और 6 कौन कौन से हैं, हम इसके आपको नाम बता रहे हैं। नंबर 1 है इसमें आपका कलकत्ता, नंबर 2 गुवाहाटी, नंबर 3 पुणे, नंबर 4 भोपाल, और इसके बाद नंबर 5 हैदराबाद, और इसके बाद है आपका नंबर 6 बंगलौर। तो ये आपके 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, इनके नाम हम आपके सामने एक बार रिपीट कर रहे हैं, कलकत्ता, गुवाहाटी, पुणे, भोपाल, हैदराबाद और आपका बेंगलोर। तो ये यूजीसी के आपके क्षेत्रीय कार्यालय हैं जिसके द्वारा इसकी अलग अलग ब्रांच खोली गई हैं। और इसके बाद आपको बताएं यूजीसी के जो उद्देश्य होते हैं, ये आपको वैसे हमारी जो प्लेलिस्ट में वीडियो है यूजीसी की, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं, फिर भी आपको मेन मेन बता देते हैं। यूजीसी का काम क्या होता है? विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को मान्यता प्रदान करना और उनको वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, और जो विश्वविद्यालय होते हैं, कॉलेज होते हैं, उनका लेखा जोखा अपने पास तैयार करके रखते हैं, और समय समय पर विश्वविद्यालयों को और यूनिवर्सिटियों को ग्रेड भी प्रदान किए जाते हैं। और समय समय पर विश्वविद्यालयों को केंद्रीय विश्वविद्यालयों का, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा भी यूजीसी के द्वारा प्रदान किया जाता है। और समय समय पर इनकी देखरेख और भी अन्य संचालन जो होते हैं और डाटा तैयार करना होता है, इसका सभी काम जो है किसके हाथ में रहता है, ये सभी आपका यानी कि यूजीसी के द्वारा किया जाता है। ये इतना पूरा जो डिस्कशन हमने किया था, ये सभी जो है ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संगठन के आधार पर ये मेंबर बनाए जाते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। और आगे हम आपके सामने इसी प्रकार की यूजीसी नेट के लिए और भी काफ़ी सारी वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, इसलिए आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक करना ना भूलें। और जो कैंडिडेट नए हैं इस चैनल पर, वह सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन वाले बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहे, और देखते रहिए आप लोग हमारा चैनल द हिमालयन स्टडी यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।